फिल्म सिटी निर्माण को लेकर एक्शन मोड में सीएम योगी हैं। फिल्म सिटी को लेकर आज अहम बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे सीएम आवास में ये बैठक होगी। यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार जो बैठकों का दौर है वो किया जा रहा है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया जा रहा है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में जो हंगामा मचा है, कभी ड्रग्स तो कभी नेपोटिज्म, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बस मारामारी ही बची है। और इन सब के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक लंबी लकीर खींचने की तैयारी कर ली है। वो हर हाल में जल्द से जल्द फिल्म सिटी बना लेना चाहते हैं, जिसको लेकर वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ये फैसला उन्होंने कुछ दिन पहले ही लिया, जिसका पूरे देश भर में स्वागत किया जा रहा है। और ऐसे में आज एक अहम मीटिंग है, जिसमें फिल्मी दुनिया से कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। ये कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, तो कुछ योगी के साथ ही बैठक में लखनऊ में मौजूद रहेंगे। खबर ये भी सामने आ रही है कि मशहूर डायरेक्टर नितिन देसाई, एक्टर मनोज जोशी और फिल्म निर्देशक अशोक पंडित को भी लखनऊ बुला लिया गया है। तो एक्शन मोड में है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। और ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको लेकर जो कार्य है वो भी शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं नरेंद्र यादव का, जो हमारे साथ सीधा लखनऊ से बने हुए हैं। नरेंद्र, मुंबई में घमासान के बीच जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, उसके बाद से उनके इस फैसले का तो पूरे देश भर में स्वागत किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने मधुर भंडारकर से भी मुलाकात की, बैठकों का दौर भी चला, मीटिंग भी हुई, जमीन को लेकर भी बातचीत हुई, और एक बार फिर से आज 12 बजे बैठक। क्या कुछ पूरी जानकारी नरेंद्र? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ फिल्म शूटिंग की बड़ी संभावनाएं हैं और बहुत सारी फिल्में यहाँ पर शूट भी की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कलाकारों को सम्मानित भी करता रहा, चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक हो, इनको भी पुरस्कार देता रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मिलते भी रहे हैं। तो जो ये अवसर आया है, इसको उत्तर प्रदेश किसी भी तरीके से जाने नहीं देना चाहती। जिस तरीके से बॉम्बे में एक बवाल मचा है, जिसको लेकर के जो बाहर के हीरो हैं उनमें कहीं ना कहीं असहजता है, वो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन जाती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को एक बड़ा लाभ होने वाला है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले चरण में जमीन के बारे में जानकारी ली, तो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने बताया कि हमारे पास हजारों एकड़ जमीन है जिसको फिल्म सिटी निर्माण के लिए दिया जा सकता है। अब दूसरे चरण में सीएम जो है उन बड़ी फिल्मी हस्तियों से आज संपर्क करेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी राय लेंगे, जिसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से 25 फिल्मी हस्तियों को, जिसमें निर्माता निर्देशक शामिल हैं, उनको पत्र लिखा जा चुका है। आज 12 बजे उनकी मीटिंग में कुछ लोग लखनऊ पहुंचकर हिस्सा लेंगे तो कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी राय रखेंगे। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे, जिससे पूरी रूपरेखा को एक अमली जामा पहनाया जा सके। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी बैठक है आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बड़ा काम करने जा रही है, इसी को लेकर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। और नरेंद्र, ये भी कहा जा सकता है कि फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी चीजों की जरूरत चाहिए, वो सब कुछ है यहाँ पे। उसके लिए मुंबई जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जगह की भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यदि कलाकारों की बात करें, जानकारों की बात करें, तो काफी संख्या में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आसपास के जगह से लोग उठकर मुंबई नगरी जाते हैं, माया नगरी जाते हैं और वहां पे अपनी किस्मत आजमाते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, जिनका रिश्ता नाता रहा है वो यूपी से है। तो ऐसे में एक अच्छा अवसर भी है, और रोजगार के माध्यम से नरेंद्र देखा जाए तो उनके लिए भी एक खुशी की लहर होगी। और जिस तरीके से लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, इस खबर पर लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं कि लगातार फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ क्या क्या एक्शन मोड ले रहे हैं, क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र, ये कहा जा सकता है कि आज की मीटिंग तो अहम है और आने वाले दिनों में इसको लेकर कार्य जल्दी जल्दी या तेजी गति से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नरेंद्र,
बिल्कुल पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पिछले दिनों कई सालों से फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, अगर फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो जाता है तो यहाँ एक बड़ी गति मिलेगी, यहाँ के लोगों को एक बड़ा अवसर भी मिलेगा रोजगार के लिए, और लगातार यहाँ पे निर्माता निर्देशक आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसी जगह बन चुका है जहां पर अच्छी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अगर ऐतिहासिक स्थलों की बात की जाए, धार्मिक स्थलों की बात की जाए, उसकी भी कोई कमी नहीं है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर में ऐसे पुराने ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं जहां पर शूटिंग की जा सकती है। जी बिल्कुल नरेंद्र, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शूटिंग लोकेशन की भी कोई कमी नहीं होगी और ना ही किसी अन्य प्रकार की कोई कमी आएगी आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।